नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे आज हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 शब्द भंडार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसे कि हर बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ और हर बार कहती हूँ कि आप लोगों को इस महामारी के चलते अपने घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है। जो कार्य अध्यापकों द्वारा दिया जा रहा है उसको साफ साफ लेखन में स्वच्छता के साथ समय से पूरा करना है। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी विद्यालय में जमा नहीं हुई है, तो वे माता पिता अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में समय से ही जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द भंडार, जिसमें सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। शब्द भंडार का मतलब होता है जहाँ पर अनेक प्रकार के शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर तरह तरह के शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। कुछ अलग अलग नाम एक ही वस्तु या एक प्राणी के होते हैं, अर्थात अलग अलग शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे ये शेर का चित्र बना हुआ है, और शेर को किस किस नाम से जानते हैं? शेर, वनराज, सिंह और मृगराज। ऐसे ही ये घर का चित्र बना हुआ है, और घर को हम कितने नामों से जानते हैं? गृह, भवन, आलय और निकेतन। तो एक ही शब्द को अनेक नामों से जब पुकारा जाता है और वे सभी शब्द एक ही अर्थ देते हैं, अर्थात समान अर्थ देते हैं, तो वे पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर चित्रों के साथ दिए गए सभी शब्दों के एक ही अर्थ हैं। इस प्रकार के समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको हमें रीड करना है, पढ़ना है। अग्नि, आग, अनल, हुताशन, पावक। जंगल, अरण्य, वन, विपिन, कानन। मनुष्य, नर, मानव, मानुष, मनुज। आकाश, गगन, व्योम, नभ, अंबर। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, भूधर। नदी, सरिता, तटिनी, निर्झरणी, तरंगिणी। समुद्र, सागर, जलधि, वारिधि, सिंधु, रत्नाकर, नदीश। वायु, पवन, हवा, अनिल, समीर, मारुत। स्त्री के, नारी, वनिता, रमणी, कामिनी। तालाब के, सर, सरोवर, तड़ाग, ताल, जलाशय। किरण के, रश्मि, अंशु, मयूख, कर, मारीचि। देवता के, सुर, देव, अमर, विबुध। शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, गुरु। वाण के, तीर, शर, शिलीमुख, विशिखी। आँख, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु। सूर्य, रवि, आदित्य, दिनकर, दिवाकर। चंद्रमा, राकेश, शशि, इंदु, सुधांशु। पानी, जल, नीर, तोय, वारे, सलिल। चतुर का, निपुण, दक्ष, कुशल, सयाना, पटु। मित्र का है, दोस्त, सखा, सहचर, सुहृद, मीत। कपड़ा का है, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। पुत्री का है, बेटी, आत्मजा, सुता, तनया। माता, अम्बा, जननी, माँ, अंबिका, धात्री। पुत्र का है, बेटा, सुत, नंदन, तनय, आत्मज। उपवन के हैं, बगीचा, बाग, बगिया, बाटिका। कमल, सरसिज, सरोज, राजीव, पंकज। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही। बादल, घन, मेघ, जलधर, पयोधि, पयोध और पयोधर। घोड़ा का है, अश्व, तुरंग, घोटक, वाजी। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, पोह, फूल। झंडा का है, ध्वज, पताका, ध्वजा, केतु। यमुना का है, कालिंद्री, रविसुता, सूर्यसुता, सूर्यतनया। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, वितुंड। बिजली का है, विद्युत, शपला, चंचला, प्रभा, तड़ित। मोर का है, मयूर, केकी, शिखी, भुजंग, भोगी। राजा का है, नृप, नरेश, भूपति, महीप, नरेंद्र। अब बच्चों, विलोम शब्द पढ़ेंगे हम। अगला नंबर 2 पे आते हैं विलोम शब्द।
कुछ शब्द युग्म एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ चित्र दिया गया उदय, उदय हो रहा है और यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है, तो उदय का अस्त। ऐसे विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब ये नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ना है, रीड करना है। आरंभ, अंत, अमृत, विष, आदि, अनादि, राग, द्वेष, आग्रह, दुराग्रह, सौभाग्य, दुर्भाग्य, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुराग, विराग, न्याय, अन्याय, अल्पायु, दीर्घायु, आशा, निराशा, आयात, निर्यात, दिन, रात, आदान, प्रदान, उपस्थित, अनुपस्थित, आदर, निरादर, उन्नति, अवनति, निंदा, स्तुति, उपकार, अपकार, अनुज, अग्रज, अनिवार्य, एक्शन, आस्तिक, नास्तिक, रक्षक, भक्षक, आहार, निराहार, कृतज्ञ, कृतघ्न, मौखिक, लिखित, सुख, दुख, नवीन, प्राचीन, इच्छा, अनिच्छा, देव, दानव, राजा, रंक, चल, अचल, कीर्ति, अपकीर्ति, युद्ध, शांति, जीवन, मरण, उपयोग, अनुपयोग, उचित, अनुचित, सगुण, निर्गुण, सजीव, निर्जीव, निष्क्रिय, सक्रिय, दुर्गुण, सद्गुण, उदार, अनुदार, उपेक्षा, अपेक्षा, पाप, पुण्य, साकार, निराकार, रुचि, अरुचि, अर्थ, अनर्थ, बंधन, मुक्ति, ज्ञान, अज्ञान, जय, पराजय, विरोध, समर्थन, अमावस्या, पूर्णिमा, इधर उधर, कटु, मधुर, अलौकिक, अलौकिक, क्रुद्ध, शांत, सभ्य, असभ्य, उत्थान, पतन, विरोध, समर्थन, आरोह, अवरोह, यश, अपयश, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, स्वाधीन, पराधीन, चंचल, स्थिर, सज्जन, दुर्जन, दुराचारी, सदाचारी, दयालु, निर्दयी, उग्र, शांत, ज्ञानी, अज्ञानी, क्रय, विक्रय, मान, अपमान, कुरूप, सुंदर, शुभ, अशुभ, कोमल, कठोर, मित्र, शत्रु, आय, व्यय, प्रशंसक, निंदक, उदार, अनुदार, गुण, दोष, उन्नति, अवनति, सेवक, स्वामी, उद्दंड, विनीत, धनवान, निर्धन, निरर्थक, सार्थक, प्राचीन, नवीन, पराधीन, स्वाधीन, स्वार्थ, परमार्थ, धर्म, अधर्म, हानि, लाभ, सदाचार, दुराचार, जीवन, मर्म।